आपको दिखाते हैं सिवनी का। सिवनी के छपारा में खुद पार्षद अपने घर में घुसे पानी से परेशान है। सोचिए हालात ऐसे हैं तो आम लोगों का क्या होगा। बारिश ने छपरा नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। लोग परेशान हैं, जिन्हें मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन। ये यहाँ पे महाराणा प्रताप कॉलोनी, हाईवे कॉलोनी और परेश कॉलोनी और हनुमान कॉलोनी, ये चार पांच और जामा मस्जिद की कॉलोनियां आती हैं। यहाँ हर साल पानी भरने की समस्या है और इसके लिए मेरे द्वारा कई बार प्रस्ताव भी दिया गया कि पानी निकासी की जगह नहीं है वार्ड में, इस पर ध्यान दिया जाए, पर अभी तक परिषद की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे घर में पानी भरा है और सिर्फ मेरे नहीं, पूरी कॉलोनी की यही स्थिति है इस समय पे। कल इंजीनियर को बुलाते हैं, इसके निवारण के लिए बैठ कर के परिषद में एकत्रित होकर के इसके लिए जल्द से जल्द और ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हैं ये निवारण निकाल लेंगे। तस्वीरें आप सिवनी की देख रहे थे, ज्यादा जानकारी भी लेंगे। अजहर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कैसे हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पार्षद साहिबा के घर भी हम देख रहे थे कि कैसे पानी से हाहाकार वहां पर भी मचा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सिवनी जिले में लगभग 200 घंटे के ऊपर से पानी का दौर रुक रुक के जारी है। कई इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं और जो खासकर जिले की प्रमुख वैनगंगा नदी है वो भी उफान पर चल रही है। लिहाजा पानी के जो नदी पर बनाया गया सुजसर और बांध है उसका भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। करीब इस जो बांध है उसका क्षमता के अनुसार 518 मीटर यहाँ पर पानी रखा जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लगातार बारिश की वजह से नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से जो बांध है उसके 5 गेट खोल दिए गए, करीब 35,000 तो उससे पानी छोड़ा गया है। बात अगर छपारा जनपद नगर पंचायत अंतर्गत जो कॉलोनियाँ जहाँ पानी भरने की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी यही हालात लगातार बने हुए हैं। खासकर जो नगर परिषद का प्रशासन है उसके द्वारा कोई नगर जमीनी स्तर पर कोई ऐसे प्रयास नहीं किए गए, बावजूद इसके जो वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि उनके घर पर भी ये पानी घुस गया, लेकिन अभी भी फिलहाल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी को साझा करने के लिए अजहर। इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।